subscribe and press the bell icon to never miss an update. बायोलॉजी में डायग्राम्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए 12th क्लास की बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को डिस्कस करें। आइए पहले पोलन ट्यूब की एंट्री पिस्टल में तथा सब्सिक्वेंट फर्टिलाइजेशन का डायग्राम देखते हैं। यह डायग्राम फ्लावर का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को दर्शा रहा है। पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है तथा जाइगोट बनाता है। दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तथा एंडोस्पर्म बनाता है। यह दूसरा डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इस डायग्राम के अंदर टेस्टिस को कट सेक्शन में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं टेस्टिस के अंदर मल्टीपल टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स मौजूद हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ये स्पर्म्स टेस्टिस से निकल करके रीटे टेस्टिस में आते हैं। रीटे टेस्टिस से वासे एफरेंशिया एपिडिडमस के थ्रू वासे डेफरेंस में चले जाते हैं। वासे डेफरेंस इन स्पर्म्स को लेकर के एब्डोमेन के अंदर आता है, अपने साइड के यूरेटर के चारों तरफ कॉइल करता है तथा इन स्पर्म्स को यूरेथ्रा में डाल देता है। यूरेथ्रा मेल्स के अंदर डबल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये यूरिन तथा जेनाइटल सिक्रीशन दोनों को अपने थ्रू पार करवाता है। यूरेथ्रा पेनिस की टिप पर खुलता है तथा स्पर्म्स को बॉडी के बाहर डालता है। इस डायग्राम में आप कुछ मेल जेनाइटल ग्लैंड्स भी देख रहे हैं। एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है जो ब्लैडर के नीचे मौजूद है। पेयर में सेमिनल वेसिकल्स हैं जिनकी सिक्रीशन मेजर पार्ट बनाती है सीमन का, तथा एक पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स मौजूद हैं जो पेनिस को लुब्रिकेट करते हैं कॉइटस के दौरान। आइए अब हम अगला डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख पा रहे हैं एक पेयर ओवरी। ओवरी के अंदर अनेक फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल मैच्योर होता है तथा अपना ओवा फैलोपियन ट्यूब्स में डालता है। फैलोपियन ट्यूब ओवरी के साथ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं जिनको हम फिम्ब्रिया कहते हैं। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो यूट्रस में आकर के इम्प्लांट होता है। आप देख पा रहे हैं यूट्रस के अंदर तीन लेयर्स मौजूद हैं, आउटर पेरिमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम तथा सबसे अंदर का एंडोमेट्रियम। यूट्रस का लोअर पार्ट जो वेजाइना में एक्सटेंड करता है सर्विक्स कहलाता है। वेजाइना फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो मेल से स्पर्म्स रिसीव करती है ड्यूरिंग कॉइटस तथा बर्थ कैनाल की तरह भी एक्ट करती है। इसके बाद हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक कट सेक्शन देखते हैं। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक कट सेक्शन देखें तो हमें उसमें मेनली दो तरह के सेल्स नज़र आते हैं। नंबर वन पर सर्टोली सेल्स तथा दूसरे नंबर पर स्पर्म डेवलपमेंट की अनेक स्टेज हमको नज़र आ रही हैं। सर्टोली सेल्स नर्स सेल्स भी कहलाते हैं तथा ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं स्पर्म डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे स्पर्मेटिड तथा स्पर्मेटिड में जब टेल ऐड हो जाती है तो वह स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद स्पर्मेटोजोआ अपना हेड सर्टोली सेल्स में डाल देते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। एक मैच्योर स्पर्म का डायग्राम अब हम देखते हैं। एक मैच्योर स्पर्म के अंदर तीन पार्ट्स मेनली देखे जाते हैं, हेड, मिडल पीस तथा टेल। हेड के अंदर आपको एक्रोसोम तथा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक्रोसोम गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है तथा ये अनेक एंजाइम्स रिलीज करता है जो स्पर्म को एग के अंदर जाने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मिडल पीस के अंदर एक स्पायरल शेप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विमिंग के लिए। टेल के अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है। टेल का मूवमेंट स्पर्म का मूवमेंट करवाता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देखने के बाद आइए अब हम देखते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। मेल गैमेट के डेवलपमेंट को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है तथा फीमेल
गैमीट के डेवलपमेंट को ऊजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देख पा रहे हैं प्यूबर्टी पर स्पर्मेटोगोनिया मौजूद होते हैं जो माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड बनाता है तथा स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट होकर के एक मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाता है। फीमेल गैमीट डेवलपमेंट में ऊगोनिया मौजूद होते हैं जो माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी ऊसाइट में चेंज होते हैं। प्राइमरी ऊसाइट के अंदर पहला मियोटिक डिवीजन चलता है तथा एक सेकेंडरी ऊसाइट बनाया जाता है। सेकेंडरी ऊसाइट ओवम में चेंज होता है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म्स, जबकि ऊजेनेसिस में आप देख पा रहे हैं एक प्राइमरी ऊसाइट से एक ही ओवम बन रहा है। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है तथा एम्ब्रियो आकर के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। इस डायग्राम में हम ये देखेंगे एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर किस तरह से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं डायग्राम में एक ह्यूमन फीटस यूट्रस के अंदर। फीटस यूट्रस के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस के साथ प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। आप देख पा रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियो के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम एमनियन कहते हैं। योक सैक मौजूद है तथा सर्विक्स पर एक म्यूकस का प्लग लगा हुआ है। जेनेटिक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्रोमोसोम के डायग्राम में न्यूक्लियोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आइए न्यूक्लियोसोम का डायग्राम देखते हैं। न्यूक्लियोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड तथा हिस्टोन प्रोटीन्स। आप देख पा रहे हैं एक हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर, जिसका मतलब आठ हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में जुड़ करके एक ऑक्टामर बनाते हैं। इस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए का एक सेगमेंट अटैच्ड है। हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं तथा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और न्यूक्लियोसोम या न्यू पार्टिकल बनाते हैं। इसके बाद हम एक बेहद इंपॉर्टेंट डायग्राम को देखते हैं जिसके हर साल एग्जाम में आने की संभावना रहती है। यह डायग्राम लैक ऑपेरॉन का डायग्राम है। आइए इस डायग्राम को समझते हैं। लैक ऑपेरॉन दो पार्ट्स में दर्शाया गया है। ऊपर वाले पार्ट में आप देख पा रहे हैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें इंड्यूसर एब्सेंट है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक रिप्रेसर प्रोटीन आकर के ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है। नीचे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जब हमने लैक्टोज दिया बैक्टीरिया को लैक्टोज देने की वजह से अब बैक्टीरिया को एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जैसा आप ऊपर वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं एक रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा ब्लॉक किया हुआ है। इस रिप्रेसर प्रोटीन को हटाने के लिए लैक्टोज खुद एक इंड्यूसर की तरह काम करती है तथा आप नीचे वाले डायग्राम में देखिए ये लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर सीक्वेंस से हटा करके अलग करती है। ऑपरेटर सीक्वेंस खुल जाता है, इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज लगेगा तथा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा जिसके द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाया जाएगा। आपको कुछ जीन्स नज़र आ रही हैं, जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करती है, वाई जीन जो एंजाइम परमिएज के लिए कोड करती है तथा ए जीन जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के लिए कोड करती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट है। आइए इस यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट के डायग्राम को समझते हैं। यूरे और मिलर ने लैब के अंदर उन सारी कंडीशंस को क्रिएट किया जो ओपन इन ने अपनी हाइपोथेसिस में बोली थी। आप देख सकते हैं एक बॉइलिंग वाटर का जार है। इस जार के थ्रू स्टीम एक दूसरे स्पार्क डिस्चार्ज में ले जाई गई है। उस स्पार्क डिस्चार्ज के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, गैसेस रखी गई हैं CH4, NH3 एंड H2, साथ में वाटर वेपर या H2O जो बॉइलिंग वाटर के थ्रू आ रहे हैं। इन सारे सब्सटेंसेस को एक कंडेंसर में ले जाया जाता है जहाँ पर इन चीज़ों को कंडेंस किया जाता है। इन सारे सब्सटेंसेस को एक वाटर कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स में चेंज करके
एक अलग डिस्पेंसर में कलेक्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में यूरे और मिलर को ज़्यादातर वो सारी चीज़ें मिल गई जो ओपरन ने अपनी हाइपोथेसिस में बोली थी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की बैकबोन है। आइए इस डायग्राम में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनते हुए देखते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक फॉरेन डीएनए, एक वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जा रहा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम लाइगेज का इस्तेमाल किया गया है। ये जो दोनों डीएनए हैं, ये खास जगह जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, उसी पर ही जोड़े जाते हैं। लाइगेज से जुड़ने के बाद आप देख पा रहे हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन चुका है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को अब हम किसी होस्ट सेल में डालते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वेक्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में एक बेहद इंपॉर्टेंट टूल माने जाते हैं। वेक्टर्स में से एक बेहद इंपॉर्टेंट वेक्टर प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड हमारे पास जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वह है PBR322। आइए PBR322 का डायग्राम देखते हैं, जो बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PBR322 ई कोलाई का प्लाज्मिड है। यह दो साइंटिस्ट बॉलीवर तथा रोड्रिगेज के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इस PBR322 में आपको दो साइट्स नजर आ रही हैं। एक साइट BAM-H1 साइट है जो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के लिए कोड करती है, तथा दूसरी PVU-PST1 साइट है जो एम्पिसलिन नामक एंटीबायोटिक के लिए कोड करती है। बोर्ड में डायग्राम्स की अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके सामने डिस्कस किए। हो सकता है इन डायग्राम्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाए, या ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ही आ जाए। अगर इन डायग्राम्स पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो भी आप ये कोशिश करना कि साथ में डायग्राम जरूर बने। डायग्राम बहुत ही नीट होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि वो वेल लेबल्ड होना चाहिए। लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए किस डायग्राम में कितनी होती हैं। डायग्राम हमेशा एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालता है तथा आपकी बात को एग्जामिनर तक कन्वे करवाता है। डायग्राम बनाने से आपको बोर्ड में हमेशा ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे।